Disco. सो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एपिसोड 2 आगरा ट्रिप की है और हम लोग अभी एपिसोड 3 कह सकते हैं, देख लेंगे अपने हिसाब से कहाँ एडजस्ट करनी है क्योंकि और रूम टूर भी देना है। तो अभी हम लोग होटल से करीबन जो हम लोग का जो ताजमहल है वो 600 मीटर है। तो हमने कहा कि सुबह सुबह की ठंड है तो हम लोग सीधे सीधे पैसे अभी देखो इतना बढ़िया आप लोग ताज विजिट कराएंगे ना, सर का टिकट तो ले लिया है, अगर कैमरा अलाउड करते हैं तो वहाँ का भी आपको दिखाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। अगर फ़ोन रहेगा तो भी दिखा सकते हैं, बट आई होप कि अगर कैमरा दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, देन इट्स गुड फॉर अस, है कि नहीं? कैमरा आपका अलाउड है लेकिन ये ट्राईपॉड है ना, हाँ अंदर नहीं, कोई बात नहीं, कैमरा अलाउड है, मज़ार के अंदर अलाउड है, सब ठीक है, वो हो जाएगा काम। ट्राईपॉड अंदर अलाउड है, ट्राईपॉड, थैंक यू भैया, ट्राईपॉड बैग में रख ले, हाँ सही है, जमा हो जाता है ट्राईपॉड, जमा हो जाता है क्या बैग? हाँ बैग आप रख सकते हैं, बैग में रख देना, वहाँ पे लॉकर है, लॉकर में, ठीक है ठीक है ठीक है, जमा कर लो बैग सुधा, चलो चलो कोई नहीं, कैमरा मोबाइल लेके चलो। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि ट्राईपॉड अलाउड नहीं है और हमको लगता है आगरा फोर्ट में भी है, बताएं आगे बंदर जा। हमारे गाइड मिल गए हैं और ये पूरा ताजमहल दिखाएंगे हम लोगों को। तो माइक अलाउ नहीं थे इसलिए आवाज़ इसमें सिंक हो रही है। तो क्या होता है, सबसे पहले ताजमहल में जाने के लिए आपको कोविड की वजह से ना ऑनलाइन टिकट बुक करनी होती है, तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लो। सबसे पहला वेलकम आपसे ताजमहल के अंदर, ठीक है, माय नेम इज अविनाश, थैंक यू, माय नेम इज आशीष, ओके सर, नाइस टू मीट। जिस गेट से हम लोगों ने एंटर किया वो ईस्टर्न गेट से एंटर किया है, ठीक है, ये ताजमहल का ईस्टर्न गेट है और ठीक सामने ताजमहल का वो वेस्टर्न गेट है। एक गेट इधर देखेंगे, ये ताजमहल का साउथ गेट है, हाँ ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, रॉयल गेट। ओके, ताजमहल पे आने के लिए पहले कितने गेट हुआ करते थे? 3 गेट, ईस्ट वेस्ट साउथ, अभी 2 ही गेट है, ईस्ट और वेस्ट। साउथ गेट क्लोज कर दिया है, क्लोज क्यों किया है? जो यहाँ से लोकल ममता ने बाहर से जो फॉरनर्स लोग आते थे इन लोगों को टॉर्चेस किया करते थे, तो इसलिए वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, हम लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, तो ESI डिपार्टमेंट ने वो क्लोज कर दिया, काफ़ी कंप्लेंट जाती थी। जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए इसको बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया, फोर कोर्ट एरिया क्यों बोला जाता है? फोर गेट है, फोर ही गार्डन, 1, 2, 3, 4 और फोर ही गार्डन, 1, 2, 3, 4। ओके, जितने भी मुगल टाइम के ब्रिटिश लोग थे ना वो ईस्टर्न गेट से एंटर करते थे, ठीक है, वो वेस्टर्न गेट देख रहे हैं। आप लोगों ने आगरा फोर्ट देखा? अभी नहीं देखा। आगरा फोर्ट वेस्टर्न साइड में और लोकल सिटी वेस्टर्न साइड में, जितने भी मुगल टाइम के महाराजा लोग थे ना वो वेस्टर्न गेट से एंटर करते थे। ये रॉयल गेट है, इसको रॉयल गेट क्यों बोला जाता है? इस गेट की हाइट है 105 फीट, इस पर कैलीग्राफी का वर्क हो रहा है, स्टोन का वर्क हो रहा है, जितने मुगल टाइम के ब्रिटिश महाराजा लोग थे वो उधर से एंटर करते थे। ये छोटा सा गेट देख रहे हैं आपको, ये वाला जो, हाँ स्मॉल वाला गेट दिखाई दे रहा है, ये लेबर्स के लिए हुआ था, 20,000 वर्कर के लिए ये एंट्री करते थे, हाँ बिल्कुल, एंट्री और एग्जिट पॉइंट हुआ था। ये आपको छोटे छोटे डोम्स देख रहे हैं ना मिडल में व्हाइट वाले, ये आप काउंट करके बताएंगे कितने डोम्स हैं, हाउ मेनी डोम्स हियर, नहीं है 11 हियर 11 बिहाइंड साइड, तो टोटल 22। ताजमहल को बनने में कितना समय लगा? 22 ईयर्स, 1 ईयर 1 to 4 ईयर, 2 ईयर्स 2 to 4 ईयर, हर एक साल के एक डोम रखा करते थे। ताजमहल जो स्टार्ट हुआ 1631 में स्टार्ट हुआ, 1650 में पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका था। ये आपको व्हाइट मार्बल में लेटर्स देख रहे हैं ब्लैक कलर के साइड से बॉर्डर में, आपको ये आयत की कुरान शरीफ लिखी हुई है, अच्छा हाँ आयत की कुरान शरीफ, जैसे हम लोग की गीता होती है ऐसे लोग की कुरान शरीफ भी होती है, ये कोई कलर या पेंटिंग नहीं है, ये पूरा ब्लैक ऑनेक्स है। ये आपको चारों साइड पर छोटे छोटे रूम देखें, स्मॉल रूम, हाँ ये मुगल टाइम के गेस्ट रूम हुआ करते थे, तो मुगल टाइम में कोई होटल्स कोई धर्मशाला नहीं हुआ करते थे, जितने मुगल टाइम के ब्रिटिश महाराजा लाते वो दरअसल रेस्ट किया करते थे, 210 रूम्स है, 105 हियर 105 अदर साइड, ठीक है ये वो रेस्ट रूम है। विंटर में ये लोग पर्दे से क्लॉक किया करते थे और समर में ओपन रूम्स हुआ करते थे। ओके जित नहीं ठीक है, जैसे इसके हम लोग फ्रेंड से देखें सेम इसकी बैक साइड से, ताजमहल पूरा एक सेमेट्री के अंदर बना हुआ है। ताजमहल क्यों बना? मुमताज़ की याद में, क्यों? साथ जैसे कितनी वाइफ थी? 3 वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी, तो इनका मकबरा इधर है वाइट वाला, ठीक है।
सेकंड क्या था सरंदी बेगम, तो उनका डैड वाला ट्रम्प से इधर है। थर्ड क्या था मुमताज़, तो मुमताज़ के इधर है साथ में। मुमताज़ मर गई थी उसके बाद भी तो शादी किए थे उनकी सिस्टर। सांचा को कैप्चर कर लिया था फोर्ट के अंदर इसके बेटे ने और जेब में। जो सांचा की जो डैड हुई थी ना 75 एज में डैड हुई थी। इनकी दो बेटी भी थी रोशन आरा और जायन आरा, दोनों बेटी बोट के थ्रू लेके लाने के बाद इनको यहीं पर दफनाया गया था। हाँ ये रॉयल गेट है सर, हिंदी में भी कुछ बोलते हैं इसको शाही गेट, शाही गेट शाही दरवाजा। यहीं से एंट्रेंस होता है ताजमहल। हाँ ताजमहल में देखने के लिए पहले इस गेट से एंट्री करना पड़ेगा तभी हम लोग ताजमहल को देख पाएंगे। कुछ ऐसा मिथ भी है ना कि लाइक जब इसके किसी एक ब्लॉक से पूरा पूरा ताजमहल दिखता है। नो नहीं ऐसा ऐसा नहीं कि आगरा फोर्ट के उससे होता है। वो आगरा फोर्ट में विंडोज बने हुए हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल विंडोज बने, इन्हीं विंडोज में से ताजमहल को फुल व्यू दिखाई देता है। हाँ जो साझा भी जो देखते थे ना वो आगरा फोर्ट से देखते साझा। एक चीज़ और है ना, जब हम पीछे आते हैं तो ताजमहल बड़ा होता जाता है, कुछ ऐसा भी वो एक्चुअल इल्यूजन होता है आंखों का धोखा इल्यूजन भी है। और जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना वहाँ से ट्रस्ट करेंगे तो जैसे हम लोग पास जाएंगे तो ताजमहल ऐसा लगेगा हम तो दूर जा रहे हैं, जैसे हम लोग रिटर्न में बैक आएंगे ना तो ऐसा लगेगा ताजमहल हमारे नज़दीक में आ रहा है। इतना खूबसूरत है, तो सही लग रहा है यार, हमको तो सबसे मजा वहाँ लगा, हमको तो सबसे मजा वहाँ है। अभी बहुत खूबसूरत है यार ये देख, अरे बहुत सुंदर है यार ये तो, सही लग रहा है यार ये देख। साइड साइड से ये बताए थे कि जो ये जो ताजमहल है ना, मतलब तुम एंट्रेंस गेट से देखोगे आधा तो ये से देखो, ये लाइन दिख रही तुमको ये वाली, तो ये तुमको एकदम सिमेट्री दिखे, मतलब इसकी डिस्टेंस है आधा देखोगे तो इधर देखे आधा, मतलब एकदम बराबर सेंटर बना हुआ है। फुल मून में आपने ताजमहल को सुना, फुल मून में ताजमहल ओपन होता है, आज भी ओपन होता है फुल मून के अंदर। जिस दिन फुल मून में ताजमहल ओपन होता है वे लोगों को लॉट यहाँ तक किया जाता है। इसका टिकट होता है 5 and 10 rupees का, वो भी एक दिन पहले लेना पड़ता है। ठीक है, खास कब से स्टार्ट होता है फुल मून से, तो पूर्णिमा की रात होती है चांदनी रात, चांदनी रात के दिन इस दिन क्या होता है जैसे फुल मून की लाइट पड़ेगी स्टोन पूरा ग्लोइंग करेगा, ताजमहल का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन ब्लू रेड लिटिल बिट मिल्की वाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर में शेड हो जाएगा, क्योंकि जिसके जैम स्टोन है वो कलरफुल स्टोन है और फुल मून की लाइट जब बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। हाँ गेस्ट हाउस बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बना था मॉस। मॉस क्यों बनाया गया था, जो 20,000 वर्कर थे इनमें से कुछ वर्कर वो प्रे करने के लिए काफ़ी दूर जाया करते थे और समय काफ़ी वेस्ट होता था। ओके, मुगल टाइम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था तो फाउंटेन्स को यूज़ करने के लिए वो ताजमहल का सेंटर टैंक बनाया था, वाटर टैंक यहाँ पे लोग खड़े हैं। हाँ ठीक है, पानी का प्रेशर रोकते थे, पानी के प्रेशर से बाहर से फाउंटेन्स को यूज़ किया जाता था। ये सिस्टीन गार्डन जो देख रहे हैं ना ये कारपेट में यूज़ किया जाता था मुगल टाइम में, ये आप लोग देख सकते हैं सिस्टीन गार्डन को। ये फोर पिलर जो देखेंगे एकदम इक्वल एक जैसे नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके टिल्ट है, 2 degrees आउट हो रहे हैं, गौर से देखिए आप बाकी साइड में टिल्ट है जो क्यों हुए। ये आगे वाले जो दो हैं फोर पिलर, चारों पिलर इस तरफ। हाँ बाहर की साइड में हल्का सा हाँ, हल्का हल्के से मुड़े हुए। हाँ ये मुगल टाइम की क्या होती थी, मीना बाजार, मीना बाजार। जो कैलीग्राफी जिसकी क्या, हाँ हमने मथुरा वृंदावन किया ना, ठीक है प्रेम मंदिर, उस प्रेम मंदिर पर भी इतनी कैलीग्राफी हो रही है। ठीक है, इस पर भी इतनी कैलीग्राफी हो रही है, पर जिस हिसाब से जो कैलीग्राफी इसको हुई है वो किसी पे भी नहीं हुई है। जो उसके सभी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है सातवा अजूबो क्यों बोला जाता है। जैसे कि मैंने बताया ताजमहल का सेंटर टैंक बनाए, ये वाइट वाली ब्रांच देख रहे हैं ना, इस ब्रांच को बोला जाता है लेडी डायना चेयर। लेडी डायना चेयर क्यों बोला जाता है, इंग्लैंड की जो लेडी डायना थी ना वो यहाँ से आके फोटोज लेके गई थी, तो इस ब्रांच को बोला जाता है लेडी डायना चेयर। जितने भी VIP जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं वो यहीं से फोटोज लेते हैं। जो डॉलर ड्रम आया था ना ठीक है वो ब्रांच से लिया था, पर ये लेडी डायना ब्रांच है, पर रियल ब्रांच वो है ठीक सामने अम्बेजू साइड में रखी। हाँ मुमताज के मरने के पास आज अपनी वाइफ को मिस करते थे, वहाँ से बैठ के ताजमहल को निहारते थे, फील करते थे। ठीक है, या बॉट सेट में देखें सेम टू सेम इक्वल जैसा बना हुआ, इसको बोलते हैं नौबत खाना। क्या होता था नौबत खाना मिस, ये हाँ नौबत खाना मिस ड्रम हाउस।
कि मुगल टाइम में कोई माइक को साउंड नहीं हुआ करता था, ये लोग पैल चमचे डोला सहना बजा जाते थे। ये डोम्स के ऊपर पिनिकल दिख रहे हैं, अभी ये ब्रास के पिनिकल्स हैं, जितने भी डोम्स बने अभी ब्रास के हैं। ये मुगल टाइम में सारे गोल्ड के हुआ करते थे, क्योंकि मुगल टाइम में गोल्ड की कोई कीमत नहीं है, 4 रुपीज़ 1 ग्राम हुआ करता था। ब्रिटिश क्या अपने इंडिया पर राज करना चाहते थे, राज नहीं कर पाए तो गोल्ड के निकाल के गए और ब्रास के लगा कर रिप्लिका। जो ये ताजमहल है ना, इसके अंदर जो इंटीरियर पार्ट है ना, इसमें लगा हुआ है रेड मार्बल। नहीं यहाँ लगा हुआ है, आप उसको जब उसे ड्रोन से देखोगे ना शॉट नेट पे, और मतलब कहा ही जाता है कि उस समय शाहजहाँ के पास उतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था कि बाहर बाहर से दिखाने के लिए तो उन्होंने वाइट कर दिया था, बट जो इसका इंटीरियर है ना, वो जो आप जो डोम के ऊपर देखा, उसके उसके अंदर ये फ्लोर बना हुआ ना इसका, जो वो रेड कलर का फ्लोर है, वो तो रेड स्टोन का है, ऊपर अंदर में पूरा है ना, वो पूरा वाइट है। हाँ अंदर नहीं भैया, अंदर तो वाइट है, जो बीच है वो, हाँ जो उसकी जो फ्लोर बनी हुई ना, उसकी फ्लोर है वो रेड है। ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, रॉयल गेस्ट हाउस, जो शाहजहाँ आते थे वहाँ रेस्ट किया करते थे। ठीक है, ये सिंगल एक ही रूम बना हुआ है, ये सेम टू सेम एक मॉस्क बना हुआ अबोसे साइड में। ठीक है, आप लोगों ने ये सुना है जो 20,000 जो वर्क करते इनके हाथ काट दिए गए थे, ये अफवाह है ये चीज़? हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो अफवाह है, ये रियल नहीं है। क्यों हाथ काट देते तो ब्लैक ताजमहल कौन बनाता? शाहजहाँ तो खुद नहीं बनाता, क्यों वर्कर ही बनाते हैं। इन्हीं वर्करों को जो हमने स्मॉल स्मॉल रूम देखे थे ना, कुछ वर्करों रहने के लिए जगह अंदर में देती और कुछ लोगों बाहर अंदर में रहने के लिए जगह देती। इनको बोला मुझे एक और ताजमहल बनाना, ब्लैक ताजमहल। आप लोगों ने सुना ब्लैक ताजमहल के बारे में? शाहजहाँ भी अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, वो ठीक अपोजिट साइड में बन जाता, अपोजिट साइड, हाँ इसके बिहाइंड साइड में रिवर, रिवर की बिहाइंड साइड में ब्लैक ताजमहल का बेस बना हुआ, पर पूरा बेस भी कम्प्लीट नहीं हो पाया था। कम्प्लीट क्यों नहीं पाया था, क्यों शाहजहाँ को कैप्चर कर लिया था इसके बेटे ने और जेब ने। अभी वो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ कि बना ही नहीं? नहीं, कम्प्लीट अनकम्प्लीट पड़ा हुआ। तो ऐसे में जो वर्कर थे, इनको रहने के लिए जगह, पैसा, कपड़ा, सारी फैसिलिटी दी। इनको बोला आप किसी के लिए वर्क नहीं करेंगे, आप मेरे लिए काम करेंगे। जैसे आपने सुना आगे की 3 चीज़ फेमस है, बताएंगे आप लोग क्या क्या? फर्स्ट है यहाँ के कैलीग्राफी ताजमहल की, आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया था ताजमहल पूरा प्लेन होता तो इतना खूबसूरत दिखाई देता नहीं दिखता, ये पूरे हैंड कैलीग्राफी हो रही है जो फेमस हुई है आगरा की। सेकंड होता है आगरे का स्वीट्स पेटा, आप लोगों ने स्वीट्स खाया ना? अभी नहीं खाया। एग्जिट में हम आपको ट्राई भी करेंगे। ठीक है, यहाँ का स्पेशल है प्राचीन पेटा। आपने देखा हर जगह पर पंची 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 पंची, इज नॉट रियल, ये सारा फेक है। आपको केला किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको ये चीज़ें क्यों फेक है, क्योंकि जो रेस्टर फार्म होती है वो 1 से 2 होगी, 2 से 3 नहीं होगी, हर जगह पर तो नहीं होगी। आपके पास टिकट तो है, 50 वाले में, 50 वाले में सिर्फ नीचे नीचे तक रहेंगे, इसके ऊपर नहीं जा सकते हम लोग, यहाँ पे भी नहीं आ सकते। देखिए यहाँ पर कंजेशन चल रहा है, इसको रिपेयर किया रहा है, इसके एक रेड पार्ट है ना वो क्रैक हो चुका है, तो उसको कंजेशन करके इसको चेंज कर रहे हैं। ये देखिए हैंड कैलीग्राफी है मुगल टाइम्स की, ये आप देख सकते हैं, ये हाथ से बनी है, ये सारी हैंड कैलीग्राफी है। ये क्या है? हैंड कैलीग्राफी है हाथ से, हाँ ये रेड स्टोन के अंदर कोई जॉइंट नहीं है। ये देख सकते हैं इस टाइम पर कितनी फिनिशिंग होती थी। ये आपको जो दिखाई दे रहा अभी वाइट है, और डॉन देख रहे हैं येलो हो रहा है, अभी पॉल्यूशन के चक्कर में येलो हो चुके हैं, अभी तो बहुत क्लीन हो चुका है, जो अभी ऑक्सीजन में, अभी क्या कोविड में इसको क्लीन किया गया था मैंने, जो मद होता है ना मद, मुल्तानी मिट्टी, इसे मुल्तानी मिट्टी से क्लीन किया था। 3 से 4 महीने इसको रेप करते हैं, रेप करने से वॉश करते हैं, हाँ नहीं बंद नहीं रहता, इसको कवर कर देते, क्लीन कर देते, क्लॉक कर देते हैं इसको। जो मुमताज की जो डेथ हुई थी ना, जो डेथ हुई थी वो बुरहानपुर में डेथ हुई थी 14 चाइल्ड थी डिलीवरी टाइम पर। ठीक है, डिलीवरी टाइम पर इनकी जो डेथ हुई थी वो बुरहानपुर में थी, 14 चाइल्ड थी। इनकी डेड बॉडी को लेके आए, लाने के बाद पहले यहाँ पर दफनाया गया था। ये जो बाउल है, हाँ ये बॉल जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, बॉल निकालने, इसके डेड बॉडी यहाँ से निकालने के बाद फिर यहाँ पर दफनाया गया था इसके अंदर में, तब इस शर्ट होता ताजमहल का कंजेशन 1631 से और 1650 में पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका था। सो गाइस ये यहाँ पे मुमताज महल की, हाँ सबसे पहले जो कबर थी वो जो डेड बॉडी थी सबसे पहले यहाँ पे दफनाई गई थी, उसके बाद यहाँ पे इसको अंदर दफनाया गया। यस सर, पहले टिकट हुआ करता था नॉर्मली 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का टिकट था तो सभी लोग ताजमहल को देख सकते थे। इसका प्राइसेस बढ़ाने का रीज़न क्या था, क्योंकि टू मच क्राउड हो रहा था कोविड से पहले ही, तो सर वो क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे,
फिर उन्होंने टिकट 40 रुपीज़ का किया, 40 रुपीज़ में भी क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा था, ठीक है 40 से फिर 50 का नहीं क्राउड कम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने प्राइसेस हाई कर दिए गए। फॉरनर्स का टिकट किया 1300 रुपये का 1300 का, और इंडियंस का किया 50 एंड 250 का। जिसको ज़रूरत है वो इसके ऊपर जा सकता है, क्योंकि हर लोग 200 को अपोर्ड नहीं कर सकता है। तो अभी 50 रुपीज़ में टिकट लोग यहीं तक अलाउड करते हैं, और 250 में वो पूरा ताजमहल कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने प्राइसेस चेंज किया, इससे क्या क्राउड भी कंट्रोल हो चुका। और इसका सेकंड रीज़न भी क्या था, ताजमहल को कितने साल हो चुके, 470 साल, ठीक है 500 साल कवर होने पे आ गए हैं। तो एक्चुअली ये नीचे बेसमेंट में नहीं आ जाए तो इसने क्राउड के लिए और पैसे भी बढ़ा दिए। अभी इसके प्राइसेस के कंजेशन और चल रहा है, इस पर रिसर्च चल रहा है। इसका एंट्रेंस का टिकट 500 का करने वाले हैं, और नॉर्मली 500 का करने वाले, नीचे का 100 का और 400 का ऊपर का। ये फ्लोर देख रहे हैं ना, आपको स्टार का जो फ्लोर दिखाई दे रहा है रेड एंड वाइट दिखाई दे रहा है, ये कारपेट का फ्लोर दिया हुआ है। ये शेप देखें जो कारपेट होता है ना हमारे यहाँ पे, ये कारपेट का फ्लोर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो इसके स्टेप्स बने हुए हैं वो नीचे इसके रियल मार्बल्स का है। अभी बूटन से ऊपर से कवर कर दिया, कवर क्यों है जो बारिश हो जाती है रैन हो जाती है, किसी के पैर वगैरह स्लिप नहीं हो जाए, ऊपर पर फैसिलिटी दे दी गई है। इसके चिप रियल मार्बल्स के स्टेप्स बने हुए हैं, इसके नीचे था मार्बल था, इसके अभी भी रियल मार्बल्स का ही है, इसके ऊपर वुड कर दिया है। हाँ बूटन कर दिया, इसको कवर कर दिया गया। आप इनको टच करके देखिए, आप इनको फील करेंगे, आप देख रहे हैं इनको फील करा आपने। आज भी लोग बोलते हैं कलर या पेंटिंग है, पर ये कोई कलर या पेंटिंग नहीं, ये सारे जेमी स्टोन्स हैं। मालाखाइट, टक्टर, कॉर्नेरियम, ठीक है ये सारे जेमी स्टोन्स हैं। ये आप देख सकते हैं फिर वाइट मार्बल में है, हैंड हॉल किया हुआ है। हैंड हॉल होने के बाद में ये ग्रीन स्टोन्स का मैंने इसका हैंड ग्राइंडर से शेप देखिए, मत से इसको फिक्स किया हुआ है। ओके ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वाइट मार्बल्स के अंदर पूरा वन पीस के अंदर वर्क दिया हुआ है, कोई तो जॉइंट नहीं दिया हुआ है, आप सब खुद देख सकते हैं। आपको ऊपर बताएंगे आप लोग किस चीज़ का डिजाइन दिया हुआ, वो वॉल्स के ऊपर डॉम्स के ऊपर जो शेप दिया हुआ डायमंड होता है, डायमंड डायमंड का लग रहा है, ये डायमंड्स का शेप दिया हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पर छोटे छोटे विंडोज़ का डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। आप आगरा फोर्ट जाएंगे तो इसी तरह से विंडोज़ बने हुए हैं फोर्ट के अंदर, इन्हीं विंडोज़ में से वो ताजमहल का फुल ऑफ फुल व्यू देख सकते हैं आप। मैं साजो मुमताज की ग्रिल्स बनी है डुप्लीकेट, ठीक है रियल वाली कबर्स ये रही, इसका जाने का रास्ता यहाँ से है, ठीक है सेम टू सेम अंदर में इसके ऊपर वो रिप्लिका बनी है, जो राइट हैंड पे है वो साजा की है, और जो लेफ्ट हैंड पे है वो मुमताज की है। ये जमुना रिवर है, ठीक है हाँ ये जमुना रिवर है, वो आपको सामने कंजेशन दिखाई दे रहा है, वो गार्डन जो दिखाई दे रहा है ये कंस्ट्रक्शन, हाँ वो सामने का जो कंजेशन है वो ब्लैक ताजमहल का बेस बना हुआ है, हाँ वो नीचे का बेस बन रहा है, पूरा बेस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया था, क्यों साजो को कैप्चर कर लिया था फोर्ट के अंदर। अच्छा ये किस पर्पस क्या था ये ब्लैक ताजमहल बनने का, वो साजा अपने लिए बनवाना चाहते थे, क्यों नहीं कम्प्लीट हुआ, क्योंकि साजा को कैप्चर कर लिया था फोर्ट के अंदर इसके बेटे ने औरंगजेब ने। वो देखिए वो रेड एंड वाइट देख रहे हैं ना आपको, वो फोर्ट है रेड फोर्ट, हाँ रेड फोर्ट है, यहाँ से 3 किलोमीटर फार है आगरा फोर्ट, वहाँ पर एक एप्पल टावर बना हुआ है फोर्ट के अंदर, तो शाह साजा को कैप्चर किया। वो आपको 3 टूम्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 जो साजा को कैप्चर किया था, एक हॉल है छोटा सा, इसी हॉल के अंदर इतनी कैलीग्राफी हो रही है जो आई थिंक किसी बिल्डिंग के अंदर इतनी कैलीग्राफी नहीं हो रही है, जो स्टोन्स की कैलीग्राफी हो रही है, जो रिंग्स और ज्वेलरीज में पहनते हैं। इसी हॉल के अंदर 2 सैनिक्स रखे थे एक लेफ्ट एंड साइड में, वो साजो को इस हॉल में ऐसे कहीं पर नहीं जाने देते, इस तरह से बंदी बनाना हुआ है, ठीक है इस तरह से कैप्चर कर लिया। वो साजो अपनी वाइफ को मिस करते थे, तो इसी हॉल में छोटे छोटे स्मॉल विंडोज़ बने हैं, इन्हीं विंडोज़ में से वो ताजमहल को फुल व्यू देखते थे। आज लोग बोलते थे कोहिनूर था, कोहिनूर से ताजमहल देखते थे, ग्लास था कुछ नहीं था, विंडो नेचुरल, आप खुद जाके देखेंगे आपको फुल व्यू दिखेगा। अभी फॉग हो रहा है, फॉग के चक्के में पूरा क्लीन नहीं दिखेगा, क्योंकि विंटर में पूरा फॉग से पूरा क्लीन नहीं होता है। ओके
जो लोग फ्राइडे को आ जाते हैं और जो लोग फुल मूवीज की शूटिंग होती है वो वहाँ से होती है। अभी इसको गार्डन दे दिया है मेहताब बाग, इसका प्राइस है सिर्फ 40 रुपीज़ का। वो आप ताजमहल को इंजॉय भी कर सकते हैं, वहाँ से फुल व्यू भी दे सकते हैं वहाँ से मेहताब बाग। हाँ, इसके जाने का रूट क्या है? वो ना वहाँ से ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज पे से आप लोग जा सकते हैं वहाँ से ठीक सामने आगरा फोर्ट से। हाँ, आगरा साइड से, आगरा फोर्ट से जाते जाएंगे ना ठीक, इसकी बिहाइंड साइड से जाएंगे, वहाँ पर ब्रिज बना हुआ है। मतलब जो मेहताब बाग है फिलहाल तो ब्लैक ताजमहल का है। यस मैम, धीरे धीरे चल रहे ना लोग। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं इसका जो बेस दिया हुआ है वो किस चीज़ पे बेस दिया हुआ है? वाटर वेल। इसका वाटर वेल, इसके नीचे कितने वेल हैं? 400 वेल, 400 कुएँ पानी की आज भी, और ये पानी से अटैच हो रहे हैं, रिवर से अटैच हो रहे हैं ठीक है। इस टाइम पे लेंटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, बीम्स वगैरह ठीक है। वाटर वेल है 400 वेल, 400 पानी के कुएँ हैं, ऊपर से बुटन होता है चंदर की, जैसे पानी की चंदर की लकड़ी पानी के अंदर जाएगी तो वो स्ट्रांग हो जाएगी पानी से, तो इसी तरह से ऊपर का बेस दिया हुआ पानी के वाटर वेल से और चंदन की लकड़ी से, इस चीज़ पे बना हुआ है, चंदन की लकड़ी और पानी के कुएं के ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसको फील करेंगे कितना कोल्ड है। देखिए हमारे यहाँ पे वाइट मार्बल होता है, नेचुरल इतना कोल्ड नहीं होता, होता है कोल्ड पर नेचुरल इतना नहीं होता है। ये देखिए अंदर का आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, और हमने अंदर से सब कुछ बाहर का दिखाई देता था। हम ये 4 पिलर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अब थोड़ा सा हाँ इधर जाके खड़े होकर देखिए, मैम इधर खड़ो जाइए सर आप भी। हाँ, और थोड़ा पीछे जाइएगा, ये 6 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। अब यार गो बैक, ऊपर से नीचे देखिएगा, ऊपर से नीचे देखिएगा, नीचे से आराम आराम, ऊपर से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखिए, नीचे से ऊपर। हाँ, ये 6 पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, ये डब्लू शेप में दिया हुआ और साइड में कट, मिडिल में कट दिए हुए। दिखाई दिया आपको, इसको बोलते हैं आंखों का धोखा, इल्यूजन। इल्यूजन ये चीज जो है यहां पे जो कट दिया, हाँ वो डब्ल्यू शेप में दिया हुआ ना, इससे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाँ, ये बीच में मिडिल में कट दिए ना, इससे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यहां से भी एक, ये 2 पीसेस में डिवाइड कर रहा है। जो गेस्ट एरिया था उनका वो क्लोज किया हुआ है, जो बंद है। हाँ, वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, इनके पिलर के अंदर स्टेयर्स तो होंगे जी? हाँ, स्टेप बने हुए हैं राउंड शेप में, तो इसमें जाने नहीं देते? पिलर के ऊपर जाने देते क्या? नहीं सर। अच्छा, इसमें किसको अलाउ है? किसी को अलाउड नहीं है, कोई तो जाता होगा साहब? नहीं जाता, साइड करनी होती वो पिलर के ऊपर। हाँ, इसका सुराइज हुआ था सर, तभी से बंद हुआ। हाँ, सबसे जबरदस्त इल्यूजन और काफ़ी कुछ शॉट लिए हैं। मतलब एज ए व्लॉगर, मतलब आप देखोगे ना तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि सारा टाइम शॉट लेने में चला गया। बाकी इन लोगों ने एंजॉय किया, किया कि नहीं एंजॉय किया? किया, एंजॉय किया। अब उसके बाद चलना है, सीधे जाएंगे होटल, होटल में कुछ खाई पियेंगे, थक गए हैं यार सुबह से लेके, मतलब 6 बजे से हम लोग बिजी हैं, 6 बजे से गए हम लोग यहाँ पे। 6 क्यों, इन लोग कितने जाए? 5 आए थे ना, 5 बजे से आए थे और बज रहा है 11, 7:30, अब 11 बज रहा है ठीक है ना। तो अभी चलते हैं होटल, उसके बाद हम लोग को जाना है आगरा फोर्ट, वहाँ भी इतनी मेहनत करनी है जितनी कि आप इस ब्लॉग में देख चुके हैं ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एपिसोड 3 में आगरा फोर्ट में।